दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है। फिली नाम का एक 15 साल का लड़का होता है और जो उसके हाउसमेट उसको सेड्यूस करती है, उसको अपने प्यार में फंसाती है और उसे ब्लैकमेल करती है। देखते हैं आगे इस फिल्म में क्या होगा। दोस्तों इस फिल्म की कहानी को शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों फिल्म का नाम है प्राइवेट लेसन और ये 1981 में रिलीज हुई थी। दोस्तों इसकी IMDb पे रेटिंग है 5.2/10। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ग्रेजुएशन की पार्टी हो रही है और वहाँ पे सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यहाँ पे इस फिल्म का मेन कैरेक्टर फिली और उसका दोस्त शर्मन, ये दोनों लड़के वहाँ पे चोरी चुपके आए हुए होते हैं वहाँ पे उन सारे लड़कियों को देखने के लिए। वहाँ पे हम देखते हैं शर्मन की कजन सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस कर रही है और वो एंजॉय कर रही है। ये दोनों उसको देख रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे ये एंजॉय करते करते स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। शर्मन की सिस्टर भीगने के कारण बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिली और शर्मन उस बाथरूम के पास चले जाते हैं। फिली वहाँ पे खिड़की से उसको कपड़े चेंज करते हुए देख रहा होता है। उसी वक्त मिस फिपी जो उनकी टीचर है वहाँ पे आ जाती है और जैसे ही शर्मन उस टीचर को देखता है तो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। टीचर फिली को पूछती है कि तुम खिड़की में क्यों झांक रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पे फिली कहता है कि मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था। वहाँ पे वो टीचर उसको समझाती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे उम्र में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि लड़कियों को बिना कपड़े के देखे, लेकिन वो उसे समझाती है ये ऐसा करना गलत है और उसे बताती है कि तुम्हें अपने उम्र के लड़कियों के साथ रहना चाहिए, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। उसके बाद वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। अगले दिन फिली और शर्मन बातें करते हुए वहाँ पे नजर आते हैं। वहाँ पे हम मिस मेलो को देखते हैं। मेलो फिली की हाउसमेट होती है। वहाँ पे शर्मन कहता है कि तुम्हारे हाउसमेट बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे मेलो के बारे में इन दोनों में बातें चल रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लेस्टर को जो फिली का ड्राइवर है। आगे फिली और शर्मन के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे शर्मन की सिस्टर आ जाती है लेकिन फिली और शर्मन को अपने प्राइवेट बातें करने होते हैं इसलिए शर्मन उसे भगा देता है। आगे हम देखते हैं कि फिली के पिता वो बिजनेस के कारण कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे होते हैं। वहाँ पे फिली और लेस्टर एयरपोर्ट पे उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। वहाँ पे फिली के पिता समझाते हैं कि लेस्टर की बातें मानना और ज्यादा मस्ती मत करना। इसके बाद फिली लेस्टर के साथ घर पे आ जाता है लेकिन लेस्टर उसे दरवाजे के पास छोड़ने के बजाय उसे ग्राउंड में ही छोड़ देता है। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि लेस्टर फिली को ज्यादा पसंद नहीं करता। अगले दिन हम फिली को देखते हैं कि वो मैगजीन पढ़ रहा होता है। वहाँ पे मिस मेलो आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मुझे बता के रखो, मैं तुम्हें बना कर दूंगी। वहाँ पे ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं लेकिन फिली जो है मेलो के टांगों को घूरता हुआ नजर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लेस्टर किसी मीटिंग के कारण बाहर जा रहा होता है। मेलो वहाँ पे आ जाती है और उसको पूछती है कि मुझे शॉपिंग के लिए बाहर छोड़ दोगे। लेस्टर कहता है कि मुझे बहुत देर हो गई है तो अगर तुम जल्दी करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वहाँ पे लेस्टर मेलो को लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिली मेलो के कमरे में चला जाता है। वहाँ पे वो कैमरा लेके उसके सारे कपड़ों के फोटो निकालता है। वहाँ पे फिली मेलो के अंडरवेयर को सूंघता हुआ नजर आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेस्टर मेलो से कुछ बातें करते हुए नजर आता है। यहाँ पे ये दोनों कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेस्टर कहता है कि उसे प्राइवेट लेसन दो, उसे अच्छी तरीके से पढ़ाओ। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि फिली के पिता वापस आने से पहले लेस्टर मेलो के साथ कुछ प्लान कर रहा होता है। शाम को फिली और शर्मन मेलो के कमरे के बाहर छुपके से चले जाते हैं। मेलो वहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। वहाँ पे शर्मन और फिली अपना कैमरा लेके उसके फोटो निकाल रहे होते हैं और जैसे ही मेलो को शक होता है मेलो खिड़की से बाहर देखती है तो ये लोग छुप जाते हैं और थोड़ी देर में मेलो अपने कमरे की लाइट बंद कर देती है और फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन फिली अपना कैमरा लेके मेलो के कमरे के बाहर चला जाता है। फिली वहाँ पे मेलो के कुछ फोटो लेने के लिए आया होता है। फिली को लगता है कि अगर वो कपड़े चेंज करे तो वो उसकी चुपके से फोटो निकाले लेकिन उस दिन वहाँ पे उसे कोई फोटो निकालने का मौका नहीं मिलता। ऐसे ही करते करते रोज फिली मेलो के कमरे के बाहर राउंड मारता रहता है। शाम को फिली खाना खा रहा होता है। वहाँ पे मेलो आती है और वो फिली को पूछती है। वो कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आजकल तुम मेरे घर के सामने राउंड मारते हुए नजर आते हो। वो कहती है कि क्या तुम मुझे कपड़े उतारते हुए देखना चाहते हो। वहाँ पे फिली कहता है कि नहीं, मैं तो साइकिलिंग कर रहा था। खाना खाने के बाद फिली अपनी दूरबीन लेके मेलो के कमरे के बाहर चला जाता है और वहाँ पे छुपके से अपनी दूरबीन से उसे देख रहा होता है। वहाँ पे मेलो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है लेकिन जैसे ही मेलो खिड़की से उसे देखती है वहाँ पे वो फिली को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
थोड़ी देर के लिए फिली वहाँ पे डर जाता है। वो वहाँ पे कुछ कहने की कोशिश करता है, उसी वक्त मेलो उसे कहती है कि अंदर आओ। वहाँ पे मेलो फिली को कहती है कि अगर तुम्हें मुझे बिना कपड़ों के देखना है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फिली वहाँ पे शर्मा जाता है और वो उसे इग्नोर करने लगता है, लेकिन वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझे बिना कपड़ों के देखना है तो तुम्हें दरवाजा बंद करना होगा। वहाँ पे फिली दरवाजा बंद कर देता है और मेलो अपने कपड़े उतारने के लिए शुरू कर देती है। मेलो वहाँ पे अपने धीरे धीरे कपड़े उतार रही होती है। फिली वहाँ पे उसे देख कर एंजॉय कर रहा होता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है। जैसे ही मेलो अपने आधे कपड़े उतार देती है, वो उसे पूछती है कि इतना काफी है या मैं सारे उतारूं। फिली वहाँ पे कहता है कि तुम कंटिन्यू करो, मैं देखना चाहता हूँ। वहाँ पे मेलो अपने बाकी के कपड़े भी उतार रही होती है। जैसे ही मेलो अपने बाकी के अंडरवियर उतार देती है, वहाँ पे फिली एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन अचानक से फिली अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो जल्दी से उठकर वहाँ से निकल रहा होता है। वहाँ पे मेलो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मजा नहीं आया। फिली उसे कहता है कि मुझे काफी मजा आया और उसे थैंक यू कहके वहाँ से निकल जाता है। फिली वहाँ पे जल्दी से अपनी साइकिल लेके शर्मन के घर पहुँच जाता है। फिली इतना खुश होता है कि वो शर्मन को कहता है कि तुम नहीं जानते आज तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ है। शर्मन कहता है कि क्या हुआ, कुछ नया है तो बोल। वहाँ पे फिली उसे बता रहा होता है कैसे फिली मेलो के घर पे गया और मेलो ने उसे अंदर बुलाया, उसने अपने सारे कपड़े धीरे धीरे उतार दी। वो सारी बातें शर्मन को बता देता है, लेकिन वहाँ पर शर्मन को फिली के बातें सच नहीं लगती। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। वहाँ पे फिली कहता है कि जो भी हो मैंने तो एंजॉय किया। अगले दिन मेलो कपड़ों को प्रेस कर रही होती है, वहाँ पे फिली आ जाता है। फिली उसको इग्नोर कर रहा होता है। वो उसे पूछती है कि पिछली रात में तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा, क्या तुम नर्वस हो। फिली कहता है कि नहीं, मैंने तो काफी एंजॉय किया। वहाँ पे मेलो उसको पूछती है कि आज रात खाना खाने के बाद तुम मेरे घर पे आओगे, हम कुछ बातें करेंगे। अगले दिन फिली और शर्मन अपनी टेनिस की प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे वो टेनिस खेलते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। शर्मन उसे पूछता है कि कल रात जो जो हुआ मेरे को बता, और फिली उसे सारी बातें बता देता है। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। शाम को मेलो फिली के पिता के बाथ टब में जाकर नहा रही होती है और वहाँ पे फिली आ जाता है। फिली उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। और वो वहाँ पे उसे इनवाइट करती है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ सोना चाहते हो। फिली कहता है कि नहीं, और वो वहाँ से निकल ही रहा होता है। तब मेलो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे गुड नाइट किस नहीं दोगे। मेलो वहाँ पे उसे किस कर रही होती है और उसके साथ साथ उसे सेडूस कर रही होती है। वहाँ पे फिली उसे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन फिली शर्मन के पास जाता है और वो सारी बातें उसे बता रहा होता है। फिली उससे कहता है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। तब वहाँ पे शर्मन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। शाम को फिली और मेलो फिल्म देखने के लिए फिल्म थिएटर चले जाते हैं। वहाँ पे फिल्म देखते देखते फिली मेलो के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन मेलो उसका हाथ पकड़ के अपने सामने रख देती है। जब इनकी फिल्म पूरी हो जाती है, ये लोग उनके कार में घर पे वापस आ रहे होते हैं। जब ये लोग कार में एक दूसरे से किस कर रहे होते हैं, वहाँ पे लेस्टर उसे देख रहा होता है। लेस्टर उनको देख के बोर हो जाता है, लेकिन फिली और मेलो अपने ही धुन में होते हैं। जैसे ही फिली अपने घर के अंदर आ जाता है, वहाँ पे उसके पिता का कॉल आता है। फिली के पिता कहते हैं कि तुम्हारे दिन कैसे जा रहे हैं। फिली के पिता उससे उसके हालचाल पूछते हैं और वो कहते हैं कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ तो मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं कर सकता, तो तुम अपना ख्याल रखना। हम सबको यहाँ पे दिखाई देता है कि फिली के पिता की मीटिंग कैसे चल रही है। इसके बाद वहाँ पे लेस्टर आ जाता है और फिली और मेलो अपने कमरे में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे लेस्टर के सामने फिली मेलो के साथ किस कर रहा होता है। वो उसे दिखाना चाहता है कि वो कितना एंजॉय कर रहा है, क्योंकि इन दोनों में पहले से ही बनती नहीं थी। आगे फिली और मेलो उसके कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पे ये दोनों किस करने लगते हैं। वहाँ पे मेलो उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन फिली कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब हम शादी के बाद ही करेंगे। लेकिन मेलो वहाँ पे उसे समझाती है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते, मैं एक नौकरानी हूँ और तुम मेरे मालिक हो, इसलिए हम लोग शादी नहीं कर सकते, लेकिन हम एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे फिली गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन फिली अपने दोस्त शर्मन के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। फिली उस रात की सारी बातें बताता है। फिली उसे बताता है कि उसने मेलो को शादी के लिए प्रपोज किया। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि फिली मेलो के साथ उस दिन से बात ही नहीं करता, वो उसे इग्नोर करता हुए नजर आता है। वो कुछ दिन उससे बातें नहीं करता, लेकिन फिली को बुरा लगता है, इसलिए वो उसके घर पे चला जाता है और वहाँ पे जाकर उससे माफी मांगता है और वहाँ पे वो उसे किस करता है।
और इसके बाद फिली मेलो को डिनर के लिए इनवाइट करता है। शाम को ये लोग जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ पे फिली नहा धोकर अपनी शेविंग कर रहा होता है। पता नहीं उसकी शेविंग होती या नहीं, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत सारे कट तो हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक होटल में चले जाते हैं। होटल में आने के बाद ये लोग वहाँ पे खाने के लिए ऑर्डर करते हैं और उसके बाद ये लोग फिर से वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। इस फिल्म में फिली को बहुत सारे किस मिले हैं। मुझे तो लगता है फिली आगे जाके इमरान हाशमी का गुरु बना होगा, तभी जाके इमरान हाशमी उसके हर एक फिल्म में किस करता हुआ नजर आता है। होटल में इनका खाना खाने के बाद ये लोग अपने कार से घर पे आ रहे होते हैं। वहाँ पे कार में भी ये लोग शुरू हो जाते हैं, लेकिन लेस्टर उनको देखकर बोर हो जाता है और जल्दी से कार अपने घर पे लेके जाता है और वो वहाँ पे उनको छोड़ देता है। आखिर में घर पे आने के बाद फिली मेलो के साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाता है और ये लोग वहाँ पे धीरे धीरे इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से मेलो बेहोश हो जाती है और फिली वहाँ पे डर जाता है। फिली उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठती नहीं और वो जल्दी से लेस्टर को बुलाने के लिए जाता है। लेस्टर उसके साथ वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे मेलो को चेक करता है। लेस्टर कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने मेलो को मार दिया। और इसके बाद लेस्टर पुलिस को कॉल कर रहा होता है। वो कहता है कि हमें पुलिस को बताना होगा कि मेलो कैसे मरी। फिली उसे कहता है कि पुलिस को कॉल मत करो। वो उसके सामने बहुत रोता है। वो कहता है कि पिताजी को पता चला तो क्या होगा, और उसे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बचाओ, पुलिस को मत बताओ। इसलिए लेस्टर उसे मदद करने के लिए हाँ कहता है। वहाँ पे ये दोनों मेलो को बेडशीट में बांध के गार्डन के पास चले जाते हैं और लेस्टर फिली को कहता है इसे दफनाने के लिए खड्डा बनाओ। वहाँ पे फिली बहुत बड़ा खड्डा बना देता है और उसके बाद लेस्टर और फिली उसे उस खड्डे में दफना देते हैं। फिर फिली उसके याद में वहाँ पे एक फूल का पौधा लगा देता है और इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन फिली उस गार्डन के पास चला जाता है और वहाँ पे देखता है कि लाश गायब हो चुकी है। वहाँ पे वो बहुत ही डर जाता है, तो लेस्टर के पास जाता है। फिली वहाँ पे लेस्टर को बताता है कि मेलो की लाश वहाँ पे नहीं है, वो वहाँ से गायब हो चुकी है। लेस्टर कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ये सारा तुम्हारा ही आइडिया था। और वो कहता है कि इस मैटर में मुझे मत खींचना, आगे जो भी होगा वो तुम्हें अपने आप को ही सॉल्व करना होगा। वहाँ पे फिली और भी डर जाता है। थोड़ी देर में फिली का गार्डनर वहाँ पे आता है और उसे एक चिट्ठी देता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है तुम लोगों ने जिस लाश को दफनाया था वो लाश मेरे पास है, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं पुलिस को ये बातें ना बताऊं तो तुम्हें मुझे $10,000 देने होंगे। वहाँ पे लेस्टर फिली को कहता है अगर इन सारे मैटर से हमें छुटकारा पाना है तो उसे उसके पैसे देने होंगे, नहीं तो वो पुलिस में कॉल करेगा और वो तुम्हें पकड़ के लेके जाएगा। वहाँ पे फिली मान जाता है। उसके बाद वो अपने पिता की तिजोरी से $10,000 निकाल कर लेस्टर को दे देता है। वो कहता है कि ये पैसे लो और उसे दे दो। आगे लेस्टर अपने कमरे में आ जाता है। मेलो उसके कमरे में छुपी होती है। लेस्टर उसे कहता है कि तुम्हें होटल में रहने के लिए कहा था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मेलो कहती है कि मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। और मेलो उसे कहती है कि अब नाटक कब तक चलेगा, इसे जल्दी से बंद करो। लेस्टर कहता है कि जब तक हम उसे ब्लैकमेल करेंगे तब तक हमें पैसा मिलता रहेगा और तब तक तुम होटल में छुपी रहो। मेलो कहती है कि एक 15 साल का लड़का है, उसे ब्लैकमेल करना अच्छा नहीं है और ये सारी बातें मैं उसे जाकर बता दूंगी। तब वहाँ पे लेस्टर उसे धमकी देता है, अगर मेलो ने लेस्टर की बातें नहीं मानी पुलिस में जाकर वो मेलो के बारे में सारी बातें बताएगा। वो कहता है कि कैसे तुम बिना परमिट के यहाँ पे रह रही हो और उसके साथ साथ 15 साल के बच्चे के साथ तुम इंटीमेट हो चुकी हो, इस क्राइम के कारण तुम्हें जेल भी हो सकती है। लेस्टर उसे कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम होटल से बाहर मत निकलना, क्योंकि तब तक लेस्टर फिली को ब्लैकमेल करके उससे पैसे निकाले। दोस्तों यहाँ पे आपको पता चला कि लेस्टर पहले से ही प्लान कर रहा था फिली को ब्लैकमेल करके उससे पैसे निकालने की। मेलो जब लेस्टर के साथ कार में शॉपिंग के लिए जा रही थी तब वहाँ पे लेस्टर और मेलो ने इस प्लान को बनाया था। एक दिन फिली शाम को गार्डन में बैठा हुआ नजर आता है। वहाँ पे वो मेलो को याद कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे मेलो अचानक से आ जाती है और फिली उसको देखकर बहुत ही डर जाता है। उसे देखकर वहाँ से भाग रहा होता है, तब मेलो उसे रोकती है। तब फिली उसे कहता है कि मैंने सोचा तुम मर गई हो। मेलो उससे कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो उसके लिए माफी मांग रही होती है, वो उसके लिए बहुत ही बुरा फील कर रही है। लेकिन फिली वहाँ पे उसे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि ये सब तुमने पैसों के लिए किया, तो तुम्हारे पास पैसे है तो तुम यहाँ से चली जाओ। मेलो उसे समझाने की कोशिश करती है कि लेस्टर ने मुझे धमकाया था और ये सब करने के लिए मुझे मजबूर किया था, लेकिन मैं अब उससे नहीं डरती। वो कहती है कि तुम चाहो तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल के कम्प्लीट कर सकते हो। लेकिन फिली वहाँ पे मान जाता है और उसे माफ कर देता है। वो कहता है कि पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पिता के $10,000 का क्या करे, हमें वो पैसे वापस लेने होंगे। मेलो उसे कहती है कि तुमने दिए हुए पैसे उसके पास अभी भी है और ये दोनों प्लान करते हैं कि लेस्टर से वो सारे पैसे वापस कैसे
पैसे ले। इसके बाद फिली मेलो को लेकर अपने टेनिस कोच के पास चला जाता है और उनके साथ प्लान करता है। मेलो उस टेनिस कोच को समझाती है कि तुम्हें कैसे पुलिस बनकर लेस्टर को धमकाना है और उससे वो $10,000 वापस लेने हैं। वहाँ पे मेलो उसे ये भी बताती है कि लेस्टर ने कैसे उनके साथ फ्रॉड किया और फिली को ब्लैकमेल करके उससे पैसे हड़प लिए। वहाँ पे फिली का कोच उनको मदद करने के लिए मान जाता है। अगले दिन फिली का कोच ऑफिसर बनके उसके घर पे आ जाता है और लेस्टर से पूछताछ करता है। वो कहता है कि उसे शक है तुमने मेलो को मार के कहीं पे छुपा दिया है और इसी के कारण वो वहाँ पे छानबीन करने के लिए आया होता है। वहाँ पे फिली का कोच लेस्टर को बहुत ही तंग करता है, उसको बहुत ही हैरान करता है। वहाँ पे फिली का कोच उसे धमकाता है कि 24 घंटे के अंदर मेलो अगर नहीं मिली तो तुम्हें मैं जेल में डाल दूंगा, और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लेस्टर बहुत ही घबरा जाता है, उस होटल में जाता है और वहाँ पे मेलो की पूछताछ करता है। जब वहाँ पे उसे पता चलता है मेलो उस होटल को छोड़ के वहाँ से चली गई है, तो वो जल्दी से अपने घर पे आता है और अपने आप को बचाने के लिए अपने कपड़े पैक करके और वो $10,000 जो फिली से उसने लिए थे वो बैग में भर के वहाँ से भागने की तैयारी करता है, क्योंकि उसे पता है जो ऑफिसर वहाँ पे आया था उसने उसे कहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर मेलो नहीं मिली तो वो उसे जेल में डाल देगा। तब वहाँ पे लेस्टर अपनी कार लेके एयरपोर्ट जा रहा होता है। उसके साथ उसका पीछा करते हुए फिली का कोच जो ऑफिसर बनके उसका पीछा कर रहा होता है, और उसके साथ साथ फिली, शर्मन और मेलो ये लोग भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में लेस्टर कार से बाहर उतरता है और जैसे ही वो टिकट निकालने के लिए अंदर जाता है तब वहाँ पे लेस्टर का बॉस फिली के पिता वहाँ पे आ जाते हैं। फिली के पिता को लगता है कि लेस्टर उसे लेने के लिए आया है और उससे बातें कर रहा होता है। उसके साथ साथ वहाँ पर मेलो और फिली भी आ जाते हैं और फिली का पिता उसके सारे बैग, उसके सारे लगेज लेस्टर के हाथ में दे देता है और उसे कार में रखने के लिए कह देता है। लेकिन वहाँ पे फिली उसके हाथ में पैसे से भरा हुआ बैग वो उठाकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे फिली का कोच जो ऑफिसर बनके वहाँ पे आ जाता है और उसे देखकर लेस्टर वहाँ पे छुपने लगता है। वहाँ पे ऑफिसर कहता है कि तुम एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्या कहा था। वो जैसे ही उसे अरेस्ट कर रहा होता है वहाँ पे फिली के पिता कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ऑफिसर उनको बताने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे लेस्टर जल्दी से कहता है हम सब लोग आपको लेने के लिए आए हैं, और वो ये भी कहता है ये ऑफिसर मेरे पहचान के हैं। वहाँ पे फिली लेस्टर को कहता है कि तुम जाकर बाकी के लगेज को लेकर आओ, तब तक हम लोग बाहर इंतजार करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिली के हाथ में उसने जो दिए हुए $10,000 थे वो उसने वापस लिए हैं। वहाँ पे लेस्टर ने जो फिली के साथ फ्रॉड करके उससे $10,000 लिए थे वो भी किसी को पता नहीं चलता, और उसके साथ साथ मेलो बिना परमिशन के फिली के साथ रहती है वो भी किसी को पता नहीं चलता। दोनों अपने अपने राज अपने अपने पास ही रख देते हैं और यहाँ पर ये मैटर खत्म हो जाता है। आगे फिली और मेलो घर पे चले आते हैं और यहाँ पे ये लोग फिर से शुरू हो जाते हैं। फाइनली ये दोनों यहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद मेलो उसे कहती है कि अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं कहीं और जॉब करूंगी। लेकिन फिली कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे यहाँ पे ही रह सकती हो। वो कहती है कि नहीं, इसके बाद मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। मेलो वहाँ पे फिली से कहती है कि तुम जब भी बुलाओगे मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी, और अगले दिन वहाँ से वो निकल जाती है। अगले दिन फिली अपने स्कूल में चला जाता है और वो वहाँ पे मिस फिफ से टकरा जाता है, और फिली उससे कहता है कि आपने मुझे पहचाना, मैं वही लड़का हूँ फिली फिल्मोरा। मिस फिफ कहती है कि तुम में बहुत सारी चेंजेस हुई है और तुम बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। वहाँ पे फिली उसको थैंक यू कहता है। वो कहता है कि आपने उस दिन मुझे जो समझाया कि मुझे अपने उम्र के लड़कियों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, उसके लिए वो थैंक यू कहता है। वहाँ पे मिस फिप्स कहती है किस किस के साथ तुम्हारी दोस्ती हुई है। फिली कहता है कि ये सारी बातें मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए फिली उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है और वो टीचर वहाँ पे मान जाती है, और फिली वहाँ पे बहुत ही खुश होता है और वो अच्छी सी स्माइल देके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।